बीकानेर राजस्थान। 5.5 वर्ष पहले नोखा के बहुचर्चित नाबालिग हत्याकांड के तीनों दोषियों को आज पॉस्को कोर्ट ने दंडादेश सुनाया। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी को पॉस्को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह नागर ने आजीवन कारावास का दंडादेश सुनाया। परिवादी के अधिवक्ता बजरंग शिम्पा ने बताया, इस प्रकरण के मुख्य आरोपी पीटीआई विजेंद्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश को आजीवन कारावास 10,000 रुपये का जुर्माना। वहीं इस प्रकरण के अन्य आरोपी निजी कॉलेज के प्राचार्य प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला, हॉस्टल वार्डन प्रिया शुक्ला को भादस की धारा 305 के तहत 6 वर्ष का सश्रम कारावास 5,000 रुपये के जुर्माने का दंडादेश दिया गया। तीनों दोषियों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। बीकानेर राजस्थान, सुदेश जैन की रिपोर्ट। 5 साल पुराना मामला है प्रकरण का, जिसमें दलित पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन द्वारा उसके साथ दुष्प्रेरण, उसके एपोलॉजी लिखवाई गई, जिससे दुष्प्रेरित होकर पीड़िता द्वारा सुसाइड कमिट किया गया। उस मामले में आज ट्रायल पूरी होने के पश्चात माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश श्री देवेंद्र सिंह नागर द्वारा जजमेंट सुनाया गया, जिसमें मेन मुलजिम विजेंद्र सिंह को अलाई और प्रिया शुक्ला और प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला को 6 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। अलग अलग धाराओं में अलग अलग हैं, जैसे मेन यही है। ठीक है, नाम बताओ। सुभाष साहू, स्पेशल पीपी, पॉक्सो।